आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिख रहा है पूरा स्क्रीन, ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, इस मिशन में SSS करके एक कंपटीशन रखा गया था, स्वच्छ सुंदर शौचालय, कि जो सबसे बेस्ट शौचालय बनाएगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब आप खड़े होते हैं तो आपके सामने एक बस स्क्रीन खड़ा हो जाता है, जैसे आपके 4S दिखेंगे, स्पीड, स्टिग्मा, सस्टेनेबिलिटी और आपके कितना सस्टेन करेगा। बस इन दोनों से विनती करूंगा कि गुटखा का सरगोशी ऐड ना करें, विनती है आप दोनों से। ये है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और मोदी जी के मिशन को आप लोग सक्सेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, जहाँ मोदी जी है वहाँ गंदगी कैसे। अरे मूर्ख, मोदी जी संदेश दे रहे हैं, समझो इस बात को। पहले हम लोग जब जाते थे तो स्टेशन पूरा गंदा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था स्टेशन पे, और मोटे मोटे चूहे और मक्खी, ये सारी चीज़ें जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो लेकिन जब मोदी जी आए और 5 साल बाद, जब 2014 में मोदी जी आए, 2019 में जब हम लोग गए, जब ट्रेन से सफ़र किए, जब तो स्टेशन पे बैठ के आप कहीं भी किसी भी कोने में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली कोई आ रहा है और इस म्यूजियम को देखना चाहता है जी, तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? और टिकट मतलब इतना बड़ा म्यूजियम के लिए आप लोगों ने कोई चार्ज नहीं? इसमें बताया जाएगा कि गांधी जी के इरादे मोदी जी के इरादे कैसे थे। गांधी जी की सोच थी हमें स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता भी है, लेकिन हम स्वतंत्र तो हुए लेकिन स्वच्छ कहीं ना कहीं रह गए, स्वच्छता ने पूरी नहीं मिली। तो मोदी जी की टीम ने, उन्होंने पूरी टीम ने इस आंदोलन को बनाया और सबकी भागीदारी के साथ। इस साइड से आप मिशन यहाँ देखेंगे, ऊपर लोगों में हमारा एक कदम स्वच्छता की और स्वच्छ भारत मिशन का, और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू ये उसके अंतर्गत म्यूजियम बना है और वो भी इसकी देख रेख है। कुछ नीचे आप ग्लिम्पसेस देखेंगे, ये स्वच्छ भारत मिशन की ग्लिम्पसेस हैं। इसके नीचे आप साइन आर्ट देखे हैं सर ने, उसमें कि सुदर्शन पटनायक जी ने साइन आर्ट बनाई थी गांधी जी की 150वीं जयंती पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसमें मोदी जी और गांधी जी और उनका चश्मा करते हैं। ये एग्जिबिट नंबर 2 है सर, जो कि 72 पैनल्स के थ्रू हमें दिखाया गया है कि जब पहले खुले में शौच में जब औरतें जाती थी तो क्या परिस्थिति होती थी, किन चीज़ों का सामना करके उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। केवल रात के अंधेरे और सुबह के अंधेरे के साथ वो सारा दिन इंतज़ार करती थी कि अंधेरा हो तो हम शौच के लिए जाए, लेकिन साथ ही साथ क्या परेशानियाँ उनका सामना करनी पड़ता था, जंगली जानवरों का, लोगों का, अपनी इज्जत का डर, कोई देखना नहीं, कीड़े मकोड़ों का डर, इस भय से वो सारा दिन काटती थी और रात को फिर वो जाती थी। किस क्या एम्बैरेसमेंट होती थी वो पूरे में आप सुनने जाते थे, क्या पी करके देखते सकते हैं या फिर पूरा आम नहीं करते। इस वीडियो का सर जो आइडिया है वो फुटप्रिंट में आप मतलब क्लियर आ गई है, फुटप्रिंट लगा जाए सभी के स्क्रीन के साथ, इसका आइडिया सुनने के लिए जैसे अभी वीडियो कम्प्लीट हुआ है तो मेरे स्टार्ट होता है दोबारा से, जैसे लेडीज दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है, जंगल जाती है, उसे चलने की आवाज़, साथ साथ बारिश आती है, फिर रेनकोड़े निकलते हैं, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, उसकी आवाज़ प्रॉपर पुलिस में बताया जाएगा। अगर दिल्ली कोई आ रहा है और इस म्यूजियम को देखना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? और टिकट मतलब इतना बड़ा म्यूजियम के लिए आप लोगों ने कोई चार्ज नहीं? ये पात्रास जो आप देखें और ऊपर उनकी ये रिलेटेड पिक्चर्स हैं, ये 24 फरवरी 2019 में स्वच्छ कुंभ हुआ था जब मोदी जी वहाँ मेले में गए थे। तो मेले से हम सब क्या समझते हैं कि गंदगी होगी, पैसेज गंदे होंगे, डस्टबिन गंदे होंगे, टॉयलेट नीचे ठीक नहीं होंगे, लेकिन जब मोदी जी वहाँ गए और वो देखते इतने हैरान हुए कि लाखों लोगों की तादाद में कितनी साफ सफाई कैसे हो सकती है। तो वो सब चीज़ देखिए इतना, वो ये सब चीज़ें प्री प्लान नहीं थी, सबसे पहले बात ये नहीं कि कुछ भी ऐसा प्री प्लान नहीं था,
लेकिन वो उन स्वच्छाग्रहियों से मिलना चाहते थे, उन लीडर से जो वहाँ की देख रेख कर रहे थे, तो उनसे मिले, उन्हें सम्मान देने के लिए उनके पात्रास, जिन पात्रास में उन्होंने टैग हुए थे, वो पात्रास आपके सामने शोकेस। आपके सामने सर ये सेंसर बॉल है, सेंसर बॉल में दिखाया गया है कि ये पार्टिसिपेशन कैसा हुआ। जैसे आप इस संख्या पे खड़े होते हैं तो आपके सामने ये पूरा स्केल स्कीम खड़ा होता है, जैसे आपके 4S दिखेंगे, स्पीड, स्टिग्मा, सस्टेनेबिलिटी और आपके कितना सस्टेन करेगा, किस स्पीड से टॉयलेट बनेगा, क्या सस्टेनेबिलिटी रहेगी, कितने सालों तक रहेगा, क्या स्टिग्मा रहेगा, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी इसमें प्लान की कि हर घर तक शौचालय पहुँचाए। हाँ, जैसे इसमें दिखाया जाएगा, अगर आप ODF प्लानिंग में जाएंगे वहाँ 4 P's हैं, हर सेंसर बॉल में दिखाया गया है जी। जिस आप सेंसर के सामने खड़े होंगे तो आपके सामने ओला खुलेगा, यहाँ पे खड़े तो हाँ आपके सामने ये कुछ एग्जिबिट्स हमारे से नॉन फंक्शनल है क्योंकि वो दिल्ली में जैसे कि बाढ़ आई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, तो कुछ एग्जिबिट्स हमारी बंद है, वो अभी हम हाँ जल्दी करवा रहे हैं, प्रोग्रेस में है सर, कुछ तो हमने शुरू कर दिया और कुछ देखिए सर। ये हमारे कुछ स्वच्छा रही है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास हेडफोन्स भी हैं इसके साथ, आप इसको सुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस है, साथ में भी उनका एक्सपीरियंस कहाँ है। इसमें सुनिए, ये बिहार के नालंदा से रिंकू कुमारी जी हैं, उनका एक स्टूडेंट वीडियो यहाँ पर लगाया है। बिहार के नालंदा की रिंकू कुमारी, सबके अपने एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे शेयर किए कि किस तरीके से प्रॉब्लम है, लोगों को कैसे समझाना पड़ा। इनफैक्ट आंगनबाड़ी के आशा वर्कर, बाढ़ के समय में पानी कितना आ गया था यहाँ सर, हमारा यहाँ पे इतना लेवल था, कितना लेवल था, तो इतना जल्दी आप लोगों ने मतलब ये सर कोशिश तो पूरी थी कि हम जल्द से जल्द कर पाए, लेकिन काफ़ी हमारा नुकसान भी हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन फंक्शनल, कुछ प्रोडक्टर्स नहीं चल रहे हैं, काफ़ी कुछ डैमेज हुआ, लेकिन हमने प्रोग्रेस में लगा दी काफ़ी चीज़ें कि कुछ ठीक भी करवा दी, लेकिन जो समय लगा ये पजल सर, ये पिक्सल पजल्स हैं, स्पेशली बच्चों के लिए रखी गई हैं कि आपके सामने यहाँ पे 6 पिक्चर्स हैं, उनसे 3 पिक्चर्स जितनी हैं उतनी इसमें आप पजल्स हैं, तो आपके लिए तरीके से कोई पिक्चर सेलेक्ट करके इसमें आप बना सकते हैं कोई भी पिक्चर। हाँ, ये देखिए आपके सामने पिक्चर्स हैं, 6 पिक्चर्स हैं, इनमें से ही हैं 3 इसमें 3 पिक्चर पढ़ने वाला देखना ये फर्स्ट पिक्चर ये अक्षय कुमार जी हैं, सर्च फाउंडेशन के लिए भी एम्बेसडर रहे हैं, चलिए अक्षय कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनकी जो मूवी रही है, जैसे कि अभी मेरे कॉलेज ने बताया कि टॉयलेट एक्सप्लेन कर रहा, वो भी इस मिशन का ही पार्ट है, तो इसी मिशन के अंतर्गत ये किचन बनाए गए हैं। ये बस इन दोनों से विनती करूंगा कि गुटखा का सरगोशी ऐड ना करें, विनती है आप दोनों से। एक चीज और बताना चाहूंगी, ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिख रहा है पूरा स्क्रीन, ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, इस मिशन में SSS करके एक कंपटीशन रखा गया था, स्वच्छ सुंदर शौचालय, कि जो सबसे बेस्ट शौचालय बनाएगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो किसी ने पेंटिंग, किसी ने स्लोगन, किसी ने ड्रॉइंग, किसी ने आर्ट, पर तरीके से लोगों ने अपने से टॉयलेट्स बना के भेजे, देश भर के टॉयलेट्स है गाँव से, जो सिलेक्ट किए गए थे वो आपके सामने यहाँ पे जो कलर्स में है कुछ सिलेक्टेड हो गए, लेकिन इसमें भी चुनना बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन फिर भी इनमें से 2 हमारे टॉयलेट्स को रिवार्ड मिला, जो एक हमारे जम्मू कश्मीर द्रास से था कि इतने टेम्परेचर के बाद उसको मेंटेन कराना, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कराना, और दूसरा मधुबनी पेंटिंग की वजह से जो आया था बिहार, ये 2 को रिवॉर्ड्स मिले गए थे कि सबसे बेस्ट टॉयलेट्स बन के आए थे। आप मधुबनी पेंटिंग तक जानते ही हैं कि बिहार से सबसे फेमस पेंटिंग है, कितने बारीकी से और कितनी सुंदरता से ये चीज़ बनाई गई है, और ये जम्मू कश्मीर द्रास आप समझ रहे हैं कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद उसको पूरा मेंटेन कराना और सस्टेन कराना एक चीज़ की बहुत बड़ी। दरवाज़ा बंद,
यहाँ पर एक गांव में बनाए गए शौचालय का मॉडल दिखाया गया है, दो गड्ढे का शौचालय बोला गया है। इधर साइड से आप सर इसको मॉडल देखते हैं, ये पूरा मॉडल दिखाया गया है। जैसे टॉयलेट में दो गड्ढे का शौचालय कहा गया है, वही गवर्नमेंट के थ्रू गांव में हर घर में पहुँचाए गए शौचालय का मॉडल है। इसका ये इस्तेमाल ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सीट से यहाँ पर बॉक्स के पास एक पाइप बॉक्स में जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, यहाँ से दो पाइप जाता है गोपिट के लिए, दो गड्ढों के लिए। यहाँ से लीवर या हैंडल होता है जिससे कि हम एक गड्ढे को बंद और दूसरे को ओपन रखते हैं। तो पहला गड्ढा जब हमारा भर जाता है तब यहाँ से उसको बंद करके दूसरा चालू करते हैं। पहला गड्ढा साल दो साल बाद जैसे खोल के देखते हैं तो खाद बन जाता है, तो उसको हम खेत और पेड़ों में छिड़काव कर सकते हैं। इसको सबसे बेस्ट इसको सोन खाद बोला गया है। इसे सैंपल भी हमारे पास है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखेंगे जरूर। हाँ, ये चीजें हैं। और खैर ये सारी चीजें हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और मोदी जी के मिशन को आप लोग सक्सेस कर रहे हैं। और सक्सेस क्या, ये तो स्वच्छ भारत मिशन जैसा मतलब जो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिशन जो है डिजिटल युग में, डिजिटल युग का दुनिया का सबसे बड़ा मिशन ये है। और पहले हम जब जाते थे तो स्टेशन पूरा गंदा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था स्टेशन पे, और मोटे मोटे चूहे और मक्खी ये सारी चीज़ें जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो लेकिन जब मोदी जी आए और 5 साल बाद जब 2014 में मोदी जी आए, 2019 में जब हम लोग गए, जब ट्रेन से सफ़र किए, जब तो स्टेशन पे बैठ के आप कहीं भी किसी भी कोने में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनका मिशन, मोदी जी का मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और आप लोगों का योगदान। सर हमारा योगदान तो हम ज़्यादा आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, जहाँ मोदी जी है वहाँ गंदगी कैसे। अरे मूर्ख, मोदी जी संदेश दे रहे हैं, समझो इस बात को। ये बात सत्य है कि मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ गंदगी नहीं रहेगी, ये बात सत्य है। लेकिन वही मूर्खों का दरवाजा, उनका दिमाग का दरवाजा बंद है। जैसे यहाँ पे शौचालय का दरवाजा बंद करना है, उनका दिमाग का दरवाजा बंद है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो संदेश दे रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी साफ करना चाहता है देश को, और उनके संदेश की वजह से आप लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तब जाके देश साफ होता है और तब जाके देश साफ हुआ है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर नहीं कहते हैं, कम वो उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अरे मोदी जी आप समुद्र के किनारे झाड़ू लगा रहे हैं, आप यहाँ संदेश दे रहे हैं वो। और देश का प्रधानमंत्री जब ये ऐसा संदेश दे तो इसे समझने की जरूरत है। हालांकि ढक्कन लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जो समझने वाले हैं वो तो समझते ही हैं। और उन्हीं की वजह से जो है आज पूरा देश जो है स्वच्छ हो गया। एक बार मैं क्रिकेट सम्राट पढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका का टीम आया था इंडिया में, और शायद से अहमदाबाद में मैच था, तो उन लोगों ने भारत के सफाई पे जो है ना बहुत गंदा कमेंट किया था, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, बहुत पहले की बात है, सन 2005-06 मतलब कि जब मनमोहन जी सिंह जी की सरकार थी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके उस समय की बात है मैं बता रहा हूँ। और अब वहीं आते हैं हमारे आईपीएल में खेलते हैं वहीं प्लेयर, और प्रशंसा करके जाते हैं कि मतलब कि साउथ अफ्रीका से ज़्यादा साफ सफाई जो है भारत में। ये अपने आप में सर एक रिक्वेस्ट थी, हम लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप पिक्चर हमारे आपके साथ हो जाए यहाँ पे प्लीज। चलिए ठीक है, आपके साथ राम को फोन और दिल्ली घूमने वाले लोग यहाँ पे आ सकते हैं। निशुल्क निशुल्क म्यूजियम है, और अरे उनको भी खिंचवाना है बेचारे को। खड़े हो जाओ यार जल्दी से। देखिए मैं वहाँ पे चलता, वो जो आप लोग जो है ह्यूमन, लेकिन नहीं, हमारा ये देखिए मैसेज आ गया, हमें लेट हो रहा है, एक जगह जाना है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार फिर आऊँगा यहाँ पे रात में रुकूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद से एक और वीडियो करूँगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।